फाइनल में। चलिए किस्मत के बल ये कहा जा सकता है कि ये मुकाबला न केवल खेल होगा बल्कि एक एक पॉइंट के लिए यहाँ पर जिद्दोजहद देखने को मिलेगी और इस कोर्ट पर चिंगारी उतरते हुए नजर आएगी। और ये मुकाबला सेमीफाइनल में तबज्जुल भाई होते तो निश्चित तौर से और चार चार लगता। तो गए पे डालते हैं सूख जाता है तो आप रस्सियों के सहारे मत रहिए अन्यथा सूख जाओगे। हेलो हेलो टॉस जीत के कोर्ट किया है एमजेजीआई कॉलेज ने टॉस जीत के कोर्ट चुना। चलिए दो टीमें एक दूसरे के आमने सामने टॉस जीत के कोर्ट एमजेजीआई एमजेजीआई ने टॉस जीता है और पहले फैसला किया है मुकाबले को आधे घंटे से कम करके 20 मिनट कर दिया गया है यानी कि 10-10 मिनट के दो हाफ खेले जाएंगे और बीच में दो पर 1,000 रुपए का पुरस्कार और लगा है और कंटिन्यू लगा रहेगा। और एक बात और सुन दोनों कैप्टन सुन लीजिए और समझ लीजिए फेज में यानी कि एक हाफ में केवल 2 टाइम आउट अलाउड है दोनों टीमों को। शिकार संभवता उन्होंने कर लिया है और बड़ा शिकार किया है मेहताब जैसे डिफेंडर का। बिल्कुल मेहताब को बेंच पर जाना होगा और रेडार इस रथ प्रधान शुरू से बटवा खोल के रखे हैं। 1,000 रुपए सुपर रेट लगाइए ले जाइए। सुपर रेट लगाना इतना आसान नहीं होगा लेकिन यह मुकाबला है सेमीफाइनल नॉकआउट मुकाबला है आजाद भाई नॉकआउट मुकाबला था हालांकि इस टूर्नामेंट में सभी थे हालांकि सेमीफाइनल मुकाबला अपने आप में किसी भी टूर्नामेंट का बड़ा मैच होता है और फाइनल से बढ़कर होता है। ये बिल्कुल फाइनल पहुंचने पर टीमें रिलैक्स महसूस करती है सलमान और जीत सलमान और प्रियांशु की जोड़ी इस वक्त विफल रहती हुई 2 पॉइंट लेकर के बिल्कुल सलमान और प्रियांशु की जोड़ी भरोसा है लेकर शिकार को शिकार करते जा रहे हैं वहाँ ट्रम्प कार्ड जो एमजेजीआई के मिस्टर सोमू उन्होंने 2 पॉइंट के साथ अपने टीम को खाता किया है। मुकाबला काफी करीब चलता हुआ आजाद भाई बिल्कुल चलिए यहाँ से शिकार कर सकता बिल्कुल इस वक्त डूबने के फासले में कहा जा सकता है ये बिल्कुल जैसा कि मैं कह रहा था कि टर्म कार्ड सेबू और उस टर्म कार्ड ने आज का बहुत ही खेल दिखाया है मैच के शुरुआती समय में लगातार पॉइंट अर्जित किए अपनी टीम के लिए 4-4 यानी कि स्कोर बराबर बन रहा है इस वक्त देखना है क्या पॉइंट लेकर आएंगे कौन से चार खिलाड़ी मौजूद है साथ ही क्या डिफेंस करेंगे देखने वाली बात
सौ से पॉइंट की लीड। अब कौन सा खिलाड़ी होगा एमजे जियाएगा, सेबू की उपस्थिति जल्द कराएगा कोर्ट पर। संतुष्ट बिल्कुल, क्या कुछ होगा देखने वाली बात। टीपू लगातार गेंद कर रहे हैं, हालांकि मेरे व्यक्ति यहां से जाने वाले हैं। अर्षद इस वक्त रेड पर है, शिबू कोर्ट में नहीं है तो अर्षद की बड़ी जिम्मेदारी होगी, कहीं ना कहीं शिबू को रिवाइवल दिलाए। शिकार किया जाएगा, क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल अच्छी स्पीड के साथ उन्होंने शिकार किया है मेहताब जैसे डिफेंडर का। मेहताब लगातार शिकार होते हुए जिस तौर से आमिर ने अपनी स्पीड को यहाँ पर दिखाया, बिल्कुल आजाद भाई जिसके लिए भेजा गया था आमिर अपना कार्य कर दिए। क्या कुछ होगा देखने वाली बात है। फिलहाल दोनों टीमें एक दूसरे के साथ अच्छी खासी जोर आजमाइश कर रही हैं। कौन सी टीम होगी किस जो फाइनल में प्रवेश करेगी, अपने आप को इतना सस्ता पॉइंट गवा देंगे तो दिक्कत होगी आपको। जी बिल्कुल, स्वतः आउट होते हुए पांच खिलाड़ी हैं तो कोर्ट में बोनस का कोई सवाल होता नहीं है। अब यहाँ पर टीपू को सामने से ब्लॉक किया गया, वो दर्शक है जिसके लिए इंतजार कर रहे थे। 10,000 दर्शक ग्राउंड फटाक भरा और उसका आनंद ले रहे हैं। क्या खूबसूरती के साथ ये मुकाबला चल रहा है, क्या होगा इस मुकाबले में, कौन सी टीम एक दूसरे पर भारी पड़ेगी। लगातार जोर आजमाइश और जोर आजमाइश ऐसी कि कोई बता नहीं सकता है कि पहले से कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। चलिए हालांकि पहले हाफ का खेल चल रहा है और स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो 6 पॉइंट है एमजे जीआई के पास, वही 7 पॉइंट है प्रतापगढ़ स्टेडियम के पास, 1 पॉइंट की बढ़त प्रतापगढ़ स्टेडियम के पास। इस वक्त अर्षद आए हैं रेड करने के लिए, एक नंबर की जर्सी में क्या कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। लंबा हैंड टच करने की कोशिश उनके द्वारा की गई राइट कॉर्नर पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। सेकंड अटेम्प्ट के लिए इस वक्त तैयार, क्या सेकंड अटेम्प्ट हो, शिकार कर लिया गया है उनका। हालांकि एक समय से लगातार कि वो पॉइंट लेकर के जाएंगे शिकार किया था उन्होंने, लेकिन अकलमंदी दिखाई यहाँ पर जहांगीर उर्फ बाबू ने और शिकार कर लिया उनका। जहांगीर अपना पूरा कार्य करते हुए जिसके लिए जो जो कप्तान कार्य को सौंपा था, ये वो चोरी है, ये वो चोरी है जिसको मैंने आपको बताया था। और नतीजा यही होगा, अच्छे अच्छे लीडर का काम तमाम करने का मध्य रखते हैं। बिल्कुल, अगर चल गए तो निश्चित तौर से वह ताकत है इनके पास। एक कप्तान देखना है क्या करते हैं सिराज और सादिक। एक कप्तान यहाँ पर तो की जब रेड में पॉइंट ला रहा था तो दूसरा कप्तान इस वक्त सौरभ बटलर अपने डिफेंड के लिए जाने जाते हैं, स्पीड अच्छी खासी है, लेकिन आज उन्होंने रेड में हाथ आजमाने की कोशिश की, पर शूट अच्छा किया था उन्होंने,
लेकिन वो फायदा नहीं उठा पाए। हालांकि थोड़ा सा बहुत चौक हो गया। इस रेडर की बात किया जाए तो इस रेडर का जो बड़ी फोर्स है वो निश्चित तौर से लाजवाब है। अगर सामने से ब्लॉक किया गया तो इतना आसान नहीं होता कि ब्लॉक कर लिया जाए। शाम के बाद इस रेडर की बारी आती है प्रतापगढ़ इस जमीन पर। मिड लाइन की तरफ बहुत तेज है, बहुत तेजी के साथ मिड लाइन की तरफ अपने आप को अग्रसित करते हैं। सद्दाम भी इसी तरीके का खिलाड़ी थे जो कहीं ना कहीं काफी तेजी के सामने ताकत के बलबूते पर किसी भी मैच का नक्शा बदल देते थे और उसी तरीके का ये भी रेडर है। जहांगीर इस वक्त रेड कर रहे थे लेकिन टाइम पास करने की रणनीति इस वक्त रेडर जबकि चार खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करती हुई टीम क्या यहां पर साधन शिकार करेंगे या सामने से ब्लॉक करेंगे जहांगीर उपम क्या कुछ होगा या फिर पॉइंट लेकर के जाएंगे। हालांकि यहां पर एक अटेम्प्ट किया शिकार कर लिया है और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और स्कोर बोर्ड की बात किया जाए तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त 9 पॉइंट है प्रतापगढ़ स्टेडियम के पास और 9 पॉइंट है एमजेसीआई के पास। बिल्कुल बहुत करीब से मुकाबला देखा जा रहा है। आप देखिए कसमस करते हैं भाई क्या मुकाबला चल रहा है प्रतापगढ़। अगर बढ़ा दिए तो प्रतापगढ़ स्टेडियम 10 और 9 निश्चित तौर से अगर आपको अच्छा लग रहा है एक बार जोरदार तालियां बजाइए खिलाड़ियों के लिए। रेडर
पांच खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंड करती हुई टीम प्रतापगढ़ स्टेडियम। ओ हो क्या लाजवाब टैकल, खूबसूरत टैकल, लाजवाब बेमिसाल। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये सोलो टैकल है। बिल्कुल, जहां उन्होंने गिरफ्त बनाई, जहां उन्होंने गिरफ्त बनाई, जुम्बिश नहीं लेने दिया, वहां से मौका नहीं दिया। सोलो टैकल आप कह सकते हैं इसको पूरी तरीके से। एक पॉइंट की लीड अभी भी प्रतापगढ़ स्टेडियम के पास। आमिर इस वक्त कर रहे हैं, हालांकि बोनस है नहीं यहां पर, और बोनस है तो प्रतापगढ़ स्टेडियम की कोर्ट में है। इस वक्त रेड कर रहे हैं, यहाँ पर रिवाइवल दिला पाएंगे अपने उस रीडर को, वापस लाएंगे टोल पर, या फिर इनका भी शिकार किया जाएगा, क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल सेबू लगातार कोशिश करते हुए, आपके जा चुके नहीं भाई, सकलेन और उनके ऊपर अर्षद, अर्षद कौन था हमारा, सेबू था। अच्छा, सेबू वाले कहां से प्रधान जी का पैसा कमा रहे हो, खड़े खड़े यही मैं समझा। अर्षद ने लगाया, फिलहाल सेबू ने ये सुपर हिट लगाई है और पहली बार सेकंड हाफ में लीड में आई है प्रताप एम जेजीआई की टीम। एमजेजीआई के पास प्लस पॉइंट ये है तो कि इसके पास दो तीन रेडर्स हैं, और वही देखा गया है प्रतापगढ़ स्टेडियम के पास। प्रतापगढ़ स्टेडियम की टीम दीपू के चले जाने के बाद सुखरती है, एक तो तितलों की दूसरे नीम पर चढ़ी, पास कोर्ट में खिलाड़ी नहीं है, वही डू एंड डाई मिस्टर आमिर। हालांकि एक अच्छे रीडर हैं, क्या कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि इनकी टीम इस वक्त पिछल नहीं है। और हाँ, में अगर लंबा फासला हो गया तो रियायत शिकार किया गया है, और बेहतरीन शिकार किया गया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है प्रतापगढ़ स्टेडियम की टीम इस वक्त ऑल आउट का दंश झेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और पहला टाइम सेकंड हाफ का टीम एमजेजीआई और स्कोर की तरफ आपको लेके चलूं। दोनों जो पॉइंट का फासला है वो दोनों टीमों के बीच में 18 और 11 का है, यानी 7 पॉइंट से एमजेजीआई के पास। टाइम टाइम बताइए भाई, टाइम कितना है, टाइम की बन अभी 6 मिनट का खेल बचा, अभी बहुत समय है, समय की कमी नहीं है। ये बिल्कुल इससे लीड से आश्वस्त आप नहीं हो सकते हैं। अर्षद सुपर रेड लगाते हैं तो 1000 मेरी तरफ से, अंदर अंदर बिल्कुल उन्होंने अर्षद को देख करके, हालांकि अर्षद चहेते तो बहुत सबके हैं, लेकिन उनका फॉर्म पुराना नहीं है, जो अर्षद को देखा गया था आए हैं रेड करने के लिए। क्या कुछ हालांकि दीपू कुछ छोड़ जरूर, लेकिन उससे उबर गए, मैं ये कह रहा था कि जाबाज खिलाड़ी है, उबर सकते हैं। एक कैप्टन दूसरे कैप्टन का शिकार करता हुआ, चलिए इस वक्त अर्षद आए हैं रेड करने के लिए, जहां उनके ऊपर दांव खेला गया है अब्दुल मजीद मुलमी अब्दुल मजीद की तरफ से, और वही इशरत प्रधान ने पहले से ही लगा रखा है। दो दो सख्त 2000 रुपए सुपर रेड पर, लंबा हैंड कैच, आखिरकार कामयाबी मिली, दूसरा टाइम दिया था हुआ, एक तीर से दो निशाना, और मेरे रेडर दीपू बकर किया गया शिकार। ये बिल्कुल सकता है इस वक्त रेड करने के लिए है, इनके ऊपर भी 1000 रुपए का इनाम लगाया है, और सकलेन को यहाँ कुछ कर गुजरना होगा। ये
बिल्कुल सेटेलाइट के अंदर वो मानता है, लेकिन क्या कर पाएंगे, इजाजत देगा डिफेंस? हालांकि डिफेंस की बात करें, डिफेंस जो दिखाई दे रहा है एमजेजीआई का इस वक्त बहुत चढ़ कर खेल रहा है, किसी तरीके से कोई पॉइंट लीक करने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। बिल्कुल उनको उनके माइंड में साफ कर रहा है, टाइम पास करने का रह रही है और बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके पास लीड है, लंबा लीड है आजाद भाई, अच्छी खासी लीड है भैया। इस स्कोरर महोदय थोड़ा सा दाएं बाएं हुई है, जोखिम लेना है कहीं ना कहीं देखा जाए प्रतापगढ़ स्टेडियम को ही लेना होगा। इस वक्त प्रतापगढ़ स्टेडियम के पास 12 पॉइंट है जबकि 20 पॉइंट है एमजेजीआई के पास। जहांगीर रेड कर रहे हैं निश्चित तौर से, जहांगीर यहां पर पॉइंट लेकर के जाएंगे, पॉइंट मिला है। हालांकि आज मेहताब का काफी खेल खराब दिखाई दिया है, लगातार पॉइंट लेकर बोनस मिला है जी, यहाँ पर रेफरी का इशारा था हुआ बोनस प्लस वन पॉइंट, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अकेले चंपे। लास्ट तीन मिनट का खेल बचा हुआ है, लास्ट तीन मिनट से अरस्ता जनरेट कर रहे हैं एमजेजीआई की तरफ से डिफेंस कैसे हो सकती है प्रतापगढ़ स्टेडियम। हालांकि बोनस ऑन है, आंसर इस वक्त रेड पर नहीं बन पाया, एक और पॉइंट लूट आप इस तरीके से पॉइंट कमाएंगे तो कहां से वापसी होगी। दूसरा यानी कि अंतिम कहा जा सकता है 23-14 का स्कोर, 23-14 लंबा फासला कहा जा सकता है। खेल के स्तर को देखते हुए एक एक पॉइंट के लिए लगातार जद्दोजहद होती हुई दोनों टीमें जद्दोजहद कर रही है। गुच्छों में पॉइंट, इस बार महताब के हाथ में जो फिसलन जो घी लगी थी उसे उन्होंने हटा लिया, साफ किया और अच्छी के साथ बड़ा शाट किया। लास्ट के दो मिनट से और प्रतापगढ़ स्टेडियम के खिलाड़ियों के कंधे अब यहां से झुकने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल लगता है उनके बॉडी धीरे धीरे से अब नजर आते हो, ये बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो लंबा फासला है और 25, 26, 27, 28 लंबे फासले को काटने के लिए बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत पड़ती है। क्या ऐसा चमत्कार सकलेन कर सकते हैं? करिश्मा खेल दिखाना होगा सकलेन को, चलिए सकलेन ने एक पॉइंट अर्जित किया है, अर्षद इस वक्त रेड पर है। हालांकि नो बॉक लाइन को यहां पर रोक के रखा गया है, क्या बॉक लाइन को रोका जा सकता है कि अर्षद जैसे खिलाड़ी को ये कहीं ना कहीं दोधारी दबा विसिल बज जाने के बाद आप तुरंत छोड़ दिए। लास्ट एक मिनट से जहां जरा चल रहा था वहां पूछने का कार्य हो गया। ये बिल्कुल टाइम पास की रणनीति या बड़े अच्छी रणनीति कही जा सकती है इनके लिहाज से। ये बिल्कुल ये एक सिक्के के दो पहलू है, सब साथ खेलने वाले हैं। बिल्कुल और साथ खेल का प्रदर्शन आज दिखाई दिया, उनका संबंध है, उनका मिलना सब कुछ नजर आया। मैं अपना जाती बताऊं, मैं दोनों टीमों के खेल के प्रदर्शन को देखकर बहुत खुश हूं, पर हार जीत से नहीं खुश हूं, मैं खेल के प्रदर्शन को देखकर के खुश हूं कि हमारे प्रतापगढ़ में जो 27 और 16 का स्कोर 11 पॉइंट से यहां पर एमजेजीआई टीम जीत गई है, फाइनल पहुंच गई।